हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। आज मैं आयुष काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट के लिए एक अपडेट लेकर आया हूँ। अभी अभी आयुष मिनिस्टर ने एक नोटिस है जो रिलीज़ किया है, उसके बारे में कुछ आयुष जो काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। उसमें सिक्योरिटी मनी के बारे में बोला है कि सिक्योरिटी मनी किसको रिफंड होगी और किसको नहीं। तो गाइस, यदि आप आयुष काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना आपको जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आयुष मिनिस्टर ने एक जो नोटिस है वो रिलीज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो गाइस, वीडियो को देखते रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। गाइस, आप देख सकते हो कि ये नोटिस जो है वो आज रिलीज हुआ 10/12/2020 को। ओके गाइस, तो देखते हैं ये नोटिस क्या है। तो गाइडलाइंस फॉर स्टेट या यूटी गवर्नमेंट फॉर काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट यूजी एंड पीजी सीट फॉर अकेडमिक ईयर 2020-21। तो मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए गाइडलाइंस जारी की है आयुष मिनिस्ट्री ने। देखते हैं कि कौन कौन सी आयुष गाइडलाइंस जो है वो जारी की है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो गाइस, वीडियो को देखते रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ से कुछ गाइडलाइंस फॉर स्टेट गवर्नमेंट फॉर काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट यूजी एंड पीजी सीट फॉर अकेडमिक ईयर 2020-21। मतलब जो प्राइवेट सीट है ना। ओके गाइस, तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके लिए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके लिए, यानी कि उसके लिए गाइडलाइंस जारी की है आयुष मिनिस्ट्री ने। तो पहली जो गाइडलाइंस है वो है कि स्टेट या यूटी काउंसलिंग ऑथराइज सोल कंडक्ट सेकेंड राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट एंड आफ्टर सेकेंड राउंड, मतलब सेकेंड राउंड के बाद में यदि कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो वो सीट जो है वो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड हो जाएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगी, और फिर वहाँ से जो स्टेट काउंसलिंग रूल्स के अनुसार वो जो वैकेंट सीट है उसको फिल किया जाएगा। ओके गाइस, तो ये पहली गाइडलाइन थी। देखते हैं सेकेंड गाइडलाइंस क्या है। तो सेकेंड गाइडलाइंस है कि स्टेट या यूटी काउंसलिंग ऑथराइज हैज़ टू प्रोवाइड सफिशेंट टाइम टू, मतलब वो जो नीट 2020 AIPGT है पीजी वालों के लिए, तो उनका भी मतलब इसी साइट पर उनका भी चलता है, तो उसके लिए सफिशेंट टाइम है, तो ये अपना नहीं है। ओके गाइस, नीचे देखते हैं। स्टेट या यूटी में डिसाइड एन ऑल इंक्लूस एप्लीकेशन कॉस्ट या नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी फॉर यूजी एंड पीजी सीट, मतलब यूजी एंड पीजी जो है उसके लिए जो नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो ऑल कैटेगरी के लिए 2000। ओके गाइस, तो ये आपको रिफंड नहीं होगी, ये रजिस्ट्रेशन फीस है, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज के लिए। ओके गाइस, नीचे बात करते हैं फोर्थ गाइडलाइंस के लिए। तो इसमें यानी कि जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो है 50,000, तो ये ऑल कैटेगरी के लिए है जो कि आपको रिफंडेबल है, लेकिन ये कब रिफंडेबल नहीं होगी। दिस सिक्योरिटी मनी मे बी फॉरफिट इफ कैंडिडेट कैंसिल हिज या हर एडमिशन आफ्टर राउंड टू, मतलब यदि राउंड टू के बाद में आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया तो फिर आपकी जो फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी, फिर आपको रिफंड नहीं होगी। तो गाइस, एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है, इसको आप देख सकते हो कि आपको कब जो है सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगी। उसके बाद में फिफ्थ गाइडलाइंस है, देयर विल बी नो रिक्वायर्ड फॉर एनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट, मतलब ऑल इंडिया से यदि आपको कोई सीट मिल रही है तो वहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, ये भी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है। उसके बाद में बात करते हैं सिक्स्थ गाइडलाइंस, रिजर्वेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट, ऑल सीट इन ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट यूजी एंड पीजी आर ओपन इन नेचर, तो ये
ओके गाइस, तो ये 6 नंबर की गाइडलाइंस है, इसको आप देख सकते हैं। नीचे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको पता ही है कि 10+2 होना चाहिए एंड 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड जो एससी एसटी कैटेगरी वाले के लिए, उसके लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। ओके गाइस, एंड नीचे बात करते हैं और क्या है इसमें। फॉर एडमिशन ऑफ ASU एंड HPG कोर्स, तो इसके लिए ये एक और ज़रूरी है कि कैंडिडेट मतलब एडमिट इन सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट UG एंड PG कैन कैंसिल देयर एडमिशन विद फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी मनी ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड प्रोवाइड बाय स्टेट UT उत्तराखंड। मतलब यदि सेकेंड राउंड के बाद में आपको आपने एडमिशन कैंसिल करवा दिया तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी, फिर आपको रिफंड नहीं होगी। और सेकेंड यानी कि एडमिट सीट आफ्टर राउंड टू, मतलब राउंड टू के बाद में आप किसी भी काउंसलिंग में फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब मॉप अप राउंड के लिए भी आप एलिजिबल नहीं हो, इन एलिजिबल हो। तो गाइस एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है, तो इसको देख लेना। अगर सेकेंड राउंड में आपने कॉलेज मिल गई और आपने एडमिशन कैंसिल करा दिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी रिफंड नहीं होगी और आप कोई सी भी राउंड के लिए यानी कि इनएलिजिबल हो जाओगे। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। ओके गाइस, तो अगर IAS काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड IAS काउंसलिंग से रिलेटेड न्यूज़ या कुछ भी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइस, थैंक यू एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।